ये हमारे पास मदरबोर्ड आया है 2251 का, इसमें प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर से नहीं आया, डीलर से आया, उसने चेक कर चुका है, ये से 5 वोल्ट से 90 वोल्ट में बूस्ट नहीं हो रहा है। तो हम चेक करेंगे इस मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों बूस्ट नहीं हो रहा 5 वोल्ट से 90 वोल्ट में, तो देखते हैं। 5 वोल्ट पे स्ट्रक है ये लैपटॉप का मदरबोर्ड, 5 वोल्ट दूसरे USB में लगा के अब ये 5 वोल्ट से 90 वोल्ट में बूस्ट क्यों नहीं हो रहा है, अब इसको स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेंगे, जैसे भी होगा जो इसमें थोड़ा बहुत फिजिकल भी होगा और उसने साफ कर दिया तो हमें पता नहीं है अभी कहाँ पे कोई फिजिकल है। इसमें हल्का सा भी मॉइस्चर होता है, फिजिकल होता है, तो ये 5 वोल्ट से 90 वोल्ट में बूस्ट नहीं होता अगर बाई चांस एक कंपोनेंट भी खराब हो। तो अभी इसको से चेक करते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे कंपोनेंट वगैरह मिसिंग हो रहे हैं, ये क्या है, इसने काम किया है कस्टमर ने, यहाँ डीलर जो भी ये कंपोनेंट यहाँ से मिसिंग है। काम उसने पूरा ही किया है, यहाँ पे भी काम हो रहा है, चार्जिंग आई थी एक तो ये मदरबोर्ड कम रिपेयर होते हैं, उसके बाद जो भी ये ज़्यादा छिड़ देते हैं तो वैसे ही नहीं होते, पर हम इसे रिपेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये हो ही जाए। यहाँ से देखो ये डायोड होता है, ये फ्रैगनेस है, डायोड भी उपड़ गया है यहाँ से फ्लैग के की रिपेयरिंग जब भी पॉसिबल है जब डोनर बोर्ड अप्रूव आ गए, क्योंकि दो कंपोनेंट चाहिए होते हैं वो डोनर बोर्ड से मिल सकते हैं, मार्केट से नहीं मिल सकते। तो हम इसको कूल टेस्टिंग में चेक कर लेते हैं डिटेल में, जो 12 वोल्ट की लाइन है ना ये ओवर लिमिट जानी चाहिए, जो कि 90 ओम्स दिखा रही है, ये 88 ओम,
चलो ठीक है, अब स्कीमेटिक गूगल की मदद से इसको चेक करते हैं। सी टाइप की जो रिक्वायरमेंट है, सी टाइप आई सी की है, पहले देखिए। सेंसिंग रजिस्टर है 12 वोल्ट वाला, ये कम लोड बता रहा था, जो हमारा 86 एम्पियर बता रहा था, ओम्स बता रहा था। तो अभी जीरो हो गया है, और दूसरी तरफ जो फर्स्ट साइड है, चार्जिंग की साइड है, वो लो ओवर लिमिट है। तो ये इस तरफ शॉर्टिंग है, तो इस तरफ शॉर्टिंग में हमने पावर डाल दी है। पावर डालने के बाद हमें पता चल रहा है कि इस तरफ ये साउंड आईसी एक खराब है, क्योंकि यहाँ पे ये हीट हो गई है। तो अब हम इसे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं कौन सी वाली दो है इसमें।
1.8 की जो ये पावर सोर्स बता रही थी यहाँ पे हमें, ये वाली ये मैंने हटा भी रखी है कोई, ये हो सकता है इसकी वजह से भी ये इसमें कई हो गई। तो ये 1.8 इसमें भी गई हुई है, तो ये शॉर्ट है, इसमें 12 वोल्ट 1.8 गई जाती है, तो पता नहीं चल रहा था, तो इसे सर्च करके तो यहाँ पे इस नतीजे में पहुँच गया कि ये वाली पावर शॉर्ट है, जो कि 1.8 हमें पूरी ओवर लिमिट होनी चाहिए। तो हमारी एक साउंड आईसी खराब है, तो हम उसे रिप्लेस करते हैं। स्टेप बाई स्टेप मैंने इसको चेक किया, बीच में वीडियो हमने रोक दी थी ताकि टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो उस बेस पे पूरा जो फोकस किया गया है, जो प्रॉब्लम 90 हाई वोल्ट से 90 वोल्ट में बूस्ट नहीं होती, बूस्ट हो गई है, पर डिस्प्ले जब आएगा तब इसमें स्क्रीन पे लगा देगा या अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, पर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो हमने डायग्नोस करके फिर आप वीडियो में दिखाया गया है कि क्या प्रॉब्लम थी। उससे पहले वन जो फ्यूज की वैल्यू थी एक तरफ लो थी एक तरफ हाई, यानी कि एक तरफ ओवर लिमिट जा रहा था और एक तरफ 84-86 ओम्स जा रहा था, तो इसमें शॉर्टिंग थी, जो शॉर्टिंग हमने निकाली है उसके बावजूद 1.8 भी शॉर्ट था, तो सबसे पहले हम 1.8 ही देख रहे थे ये क्यों शॉर्ट है, उसके बाद फिर फ्यूज पे गया, तो फ्यूज और 1.8 से एक ऐसी साउंड आईसी खराब थी उससे हमारा मदरबोर्ड हो गया 90 वोल्ट का बूस्ट हो गया, बट हमारे पास मशीन नहीं है, कस्टमर अभी जब लेके आएगा तो हम आपको डिस्प्ले दिखाएंगे। जो हम कल बोर्ड कर रहे थे, जो बोल रहे थे कि 9 हाई वोल्ट से 90 वोल्ट में बूस्ट हो गया, डिस्प्ले लगाने के बाद डिस्प्ले आएगा, बट इसके बाद भी डिस्प्ले नहीं आया,
तो अभी हम जो चेक कर रहे हैं ये पावर है 1.05 से 1.05 VCCST में कन्वर्ट होगी। तो ये कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे विद जंपर मान। अगर ये पावर बन जाती है तो बोर्ड शायद प्रॉपर हो जाए। पावर पूरी बनी हुई है, हमारा मदरबोर्ड DFQ भी हो रहा है, पर DFQ होने के बाद भी कोर की सप्लाई नहीं बन रही। कोर पे पहले भी नहीं आना चाहिए और यही जाएगा कोर पे भी। तो पहले हम इसको बनाएंगे, इसमें एक तरफ देखो बी इन आ रहा है 1.05, ये इस तरफ, और ये इस तरफ आउट नहीं हो रहा है यहाँ पे 0। तो पहले इसी को कन्वर्ट करेंगे हम। चल गया हमारा बोर्ड, मौज होगी, मौज होगी और बन गई मेरी। अब बोलो इसमें बहुत सारा काम किया गया है, उसके बावजूद जो हमने बोला था कि डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा है, स्क्रीन लगाने पे भी चेक किया था तो नहीं आ रहा है, पर आज अच्छी तरह से चेक किया गया है मदरबोर्ड को और फाइनली हमारा डिस्प्ले आ गया। मैं डिस्प्ले आपको 150 पे दिखाता हूँ अभी। बोर्ड को स्टेप बाय स्टेप चेक करना है और उसी में हमारा मदरबोर्ड ऑन हो गया। ये देख रहे हैं, सक्सेसफुली कनेक्टेड योर कंप्यूटर।